नमस्कार दोस्तों, मैं रामकैलाश यादव। दोस्तों, हमारे ललू पिंजू टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा, हमारी गाय बछड़ी को हम सीमन करा देते हैं या क्रॉस करवा देते हैं, तो हमें इच्छुक होते हैं जो हमारे किसान भाई हैं कि ये गाभिन है या नहीं है, हम किस तरह से पता करें, किस तरह से जाँच करें। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको तीन तरीके बताऊंगा जो बिल्कुल देसी है, इसमें कोई खर्च नहीं है। क्योंकि आप लोग का भी ऐसा कॉमेंट आता है, फोन भी आता है, सर जी हमें एकदम कन्फर्म बताइए हम कैसे पता कर पाए कि ये गाभिन है या नहीं है। जो भी गाय आपकी है, जर्सी में है, देसी में है, साहिवाल भी गाय है, तो ऐसा देखा जाता है कि आपकी गाय हिट में आती हैं, आप बछड़े से क्रॉस करवाते हैं या डॉक्टर से सीमन कराते हैं, फिर आपके अंदर जो है जिज्ञासा होती है कि हम किस तरह से पता करें कि ये गाभिन है या नहीं है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम टोटल जो है आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल देसी तरीका है, इसमें कोई आपको खर्चे भी नहीं है, बिल्कुल आपको समझने की जरूरत है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों हम इसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जैसे गाय हुआ, भैंस हुआ, दूध का फैट, डेयरी फार्मिंग, सारे जो है दोस्तों ऐसी हमारी ही वीडियो आते रहते हैं, तो चैनल पर जुड़े रहिए। अगर आपके मन कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो नीचे कमेंट जरूर करें। अगर जो भी बातें आपको ना समझ में आए वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके दोस्तों सभी कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके हिसाब से भी हम वीडियो बना देते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पहले तरीके की, तो पहला तरीका है दोस्तों, जैसे आप अपने गाय बछड़ी को सीमन कराए या क्रॉस करवाए बछड़े से या डॉक्टर से सीमन कराए, सीमन कराने के लगभग महीने बाद अगर दोस्तों वो नहीं रुकेगी, तो मान लीजिए कि वो 22 दिन बाद हीट पर आ जाती हैं। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि 22 दिन का समय होता है कि अगर वो गर्भधारण नहीं किया तो 22 दिन जो है हीट पर आ जाती है, अगर नहीं आती है तब जो है आप एक महीने बाद देखेंगे। अगर वो गाभिन होगी तो उसका योनि मार्ग सिकुड़ने लगेगा, सिकुड़ने का मतलब छोटा होने लगेगा। अगर वो छोटा होना शुरू, मतलब शुरू में आप देख लीजिए किस तरह उसका योनि है, तो उसके हिसाब से एक अंदाजा भी लगा सकते हैं, उसका योनि मार्ग छोटा होने लगेगा। जब योनि मार्ग जो है छोटा होने लगे तब आप जो है समझ लीजिए कि ये जो आपकी गाय है गाभिन है। अगर वो गाभिन नहीं है तो सीमन कराने या क्रॉस कराने के 22 दिन 21 दिन के अंदर अंदर वो हीट पर आ जाएगी। और एक बात और दोस्तों ध्यान रखना है, हमारे जो भी किसान भाई हैं, ऐसा देखा जाता है कि जो आपकी गाय या बछड़ी होती हैं आप लोग बार बार सीमन कराते हो, ये जो देखा गया है 100% भी जो है पक्का कन्फर्म है कि आप बार बार सीमन कराते हैं, आपकी जो गाय है बछड़ी है बार बार हीट में आती हैं, गर्भ नहीं रुक रहा है। अगर ऐसी समस्या आती है तो आप लोग जो है उसे एक बार बछड़े को जरूर दिखाएं। ऐसा भी दोस्तों हमने देखा, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि अगर वो बार बार हीट में आ रही है, अगर उसे बछड़े को दिखा दिया जाता है तो गर्भ धारण कर लेती हैं। तो एक बार जरूर आप आजमाएं कि वो गर्भ धारण कर ले। हाँ, अगर गर्भ धारण नहीं करती, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है या और कोई दिक्कत है, यानी कि बहुत ज्यादा बच्चेदानी की इन्फेक्शन का मतलब वही दूध फटा फटा सा सब दिखाई देता है, तो उसके लिए दोस्तों हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को हम इस वीडियो को लास्ट में लगाएंगे तो आप इस वीडियो पर जाकर भी वो देख पाएंगे। उसमें भी बहुत इसी अच्छी से जो एक ही इलाज बताया गया है, बहुत बढ़िया इलाज है, उसको भी जरूर आप देखिए। तो बात यह है दोस्तों की बात की जैसे आप देख लेना कि उसमें योनि मार्ग की हम बात कर रहे हैं, तो योनि मार्ग में छोटापन दिखाई देगा। अगर छोटापन दिखाई दे रहा है तब आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपकी गाय है गर्भ धारण कर लिया है। अगर हम दूसरे तरीके की बात करते हैं तो दोस्तों दूसरा तरीका क्या है कि जैसे ही आप अपने गाय या भैंस को सीमन करा देते हैं या क्रॉस करवा देते हैं, चाहे बछड़े से क्रॉस करवाएं चाहे जो है आप डॉक्टर से सीमन करवाएं, अगर आपकी गाय भैंस गाभिन है तो जो है उसके शरीर में आपको एक चमक देखने को मिलेगी। यानी जैसे कि सीमन करा दिए हैं महीने दो महीने बाद या तीन महीने बाद, धीरे धीरे जो उसके शरीर में बदलाव होने लगता है, एक जो है चमक सी दिखाई देने लगती है, एक सफाई दिखाई देने लगती है, तो इससे भी जो है आप पता कर सकते हैं कि जो आपकी ये गाय है
गहर होती है। जैसे कि कभी कभी 2 महीने 3 महीने या 4 महीने तक की भी देखने को मिलता है कि उनकी जो चेहरा है चमक जो है बढ़ जाती है, कलर में थोड़ा लाइट पन आ जाता है। जैसे कि उसका कलर मान लीजिए काला है, हल्का काला है, तो थोड़ा गाढ़ा काला होने लगेगा। इससे भी एक अंदाजा आपको लग जाएगी कि गाभिन है। जैसे हल्का धुंधला जो है व्हाइट है तो वो जो है एकदम चटक जो है व्हाइट दिखने लगेगी। जैसे लाल कलर की आपकी गाय हैं तो उसमें हल्का जो है हल्का लाल रहेगी शुरुआत में। अगर वो गाभिन है तो जो लालपन है वो चटक होने लगेगा, यानी कि बहुत चटकपन दिखाई देगा। अगर उसका कलर काली सफेद है तो काली सफेद में भी उसमें भी लाइट देखने को मिलेगी, काली जो है वो काला कलर जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और जो सफेद कलर है वो भी गाढ़ा दिखाई देने लगेगा। अगर ऐसा दिखाई देता है तब भी आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कि जो आपकी ये गाय है वो बछड़ी है, वो गाभिन है। तो दोस्तों अगर हम तीसरे तरीके की बात करते हैं तो तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, जैसे आप सीमन या क्रॉस करवा दिए हैं, आपकी जो गाय है या बछड़ी है जैसे ही आप सीमन कराएंगे उसके लगभग 3 से 4 नहीं 3 तो नहीं दोस्तों 4 से ऊपर जो हो जाएगा 4 महीने से ज्यादा, तब आपको एक देखने को मिलेगा पहचान जो है उसका कि उसकी योनि मार्ग बड़ी होने लगती है। पहला जो तरीका बताया दोस्तों हमने कि अगर वो गाभिन है तो योनि मार्ग सिकुड़ने लगेगा, यानी छोटा होने लगेगा। जब वो शुरुआत में गाभिन होती है तो आपको देखने को मिलेगा ये योनि मार्ग छोटा होने लगेगा, ये लगभग 4 महीने तक छोटा होता है। और जब बड़ी होने की अगर हम बात करते हैं तो 4 महीने के बाद फिर योनि जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, क्योंकि उन्हें बच्चा भी देना होता है तो उसका क्या है धीरे धीरे विकास होता है। तो योनि मार्ग को देख करके भी आप पता कर पाएंगे कि जो आपकी ये गाय है बछड़ी है वो गाभिन है। तो दोस्तों ये तरीका जो है बिल्कुल देसी तरीका है, इसे आप आजमा सकते हैं। बाकी दोस्तों जो भी इन्फेक्शन है, अगर आपके ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों कि अधिकतर जो हमारी गाय ये बछड़ी के बच्चेदानी में इन्फेक्शन होता है, बार बार हीट में आती हैं, बार बार रिपीट होती हैं और गर्भ नहीं धारण करती, जिससे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी जो है उनको घाटा होने लगता है, गाय को छोड़ने लगते हैं, गाय को बेच भी देते हैं, महंगी से महंगी गाय को कम कीमत में देना पड़ जाता है। तो दोस्तों उसके लिए हमने वीडियो बनाया है कि इन्फेक्शन है तो उसका एक इलाज है, बहुत जबरदस्त इलाज है। तो इस वीडियो जैसे वीडियो खत्म होगा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के।